पास ही है, तो अब हम अपने मैप में देख रहे हैं जो साइकिल वाला रूट है वो हम पकड़ेंगे। उससे अप्रॉक्स 4 मिनट दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर। और अगर हम बाय वॉक वाला रूट देखते हैं गूगल तो वो हमें दिखा रहा है ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स। सो लेट्स फॉलो दिस। तो अभी हम यहाँ पे हैं, सेंट्रल उतरे थे और ये है कोई फिल्म एकेडमी है नीदरलैंड्स की, तो बस जा रहे हैं अभी स्लोली स्लोली, उधर कहीं जाना है। सो वेटिंग, ये देखो कुत्ते यहाँ पे, भाई इसको तो ठंड लग रही है, आ जा हम चलते हैं। तो रेड लाइट क्रॉस करने का तरीका, वेट करो क्योंकि साइकिल वाले बहुत स्पीड से आते हैं, उड़ा देंगे। जैसे वो सिग्नल ग्रीन होगा हम निकलेंगे। तो ये ग्रीन हो गया है, फाइनली भागो भागो भागो, रेड हो गया भागो। अभी हमारे नेविगेटर बताओ कहाँ जाना है, सही जा रहे हैं सीधा चलना। तो ये है भाई साहब एम्स्टरडम की सड़कें, वहाँ से आए हम, और ये कितनी खूबसूरत चर्च, और ये मैडम जा रहे हैं टहलते हुए, है ना। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। भूमि, और कैसा लग रहा है आज फाइनली बाहर आके? बहुत मस्त। एक्चुअली लास्ट वीक हमारी एनिवर्सरी भी थी, हमने कुछ किया नहीं, कहीं गए नहीं। एक्चुअली थोड़ा टायरिंग था, मैं इंडिया से वापस यहाँ ट्रैवल कर रही थी, तो हमने सोचा आज थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं। सही। और वैसे भी अभी तक हमने एम्स्टरडम घूमना शुरू नहीं करा। हाँ ठंड इतनी लगती है कई बार, इतना ग्रेट है मौसम। अब थोड़ा अच्छा है, आजकल सनी है, दो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ये तो है, अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया और हवा भी नहीं चल रही है, तो हम लोग थोड़ा घूम पाते हैं और मास्क यहाँ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ लोग है ही नहीं, क्योंकि अभी हम दूर आ गए हैं मेट्रो स्टेशन से। और यूजुअली ऐसा यहाँ पे ऐसा है, नेविगेटर तो आप हो, तो आप ही बताओगे। आजा, ये कितना खूबसूरत दिखता है, सनसेट होने वाला ऑलमोस्ट, वाओ। ये बीबी हमारी गूगल मैप्स, ये सीधा ही दिखा रहा है, ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ से, तो हम यहाँ से मेट्रो पकड़ के जा सकते हैं घर अपना बाद में। क्या बोलती तू? यस। तू मेरे को शूट कर, सिनेमैटिक मोड ऑन है, देखना जरा कैसा लगता है। आपका स्वागत है। कहाँ स्वागत है? नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स में कहाँ? नीदरलैंड्स में सेंट्रल के पास, सेंट्रल स्टेशन। ओके। तो आप अपने दर्शकों को डच में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरे को नहीं आती, टूटी फूटी भी नहीं आती अभी। हुडन मैडम पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, सीखेंगे अभी, अभी तो शुरुआत है। आइए अभी यहाँ पे, अभी तो भारत माता की जय ही ठीक है। ईस्ट ऑफ वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट डेफिनेटली। नीम मॉन्यूमेंट, इसका आई डोंट नो क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा, थोड़ा इल्यूजन टाइप का है, नाम लिखे हैं लोगों को पास में, नाम लिखे हैं लोगों के ऐसा। अपना रानीगंज में एक जगह है जहाँ पे अपने जो शहीद लोग होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं, आई डोंट नो ये क्या है। 1904, 1915, पता नहीं इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। You can't feel your hands. Yeah, I cannot. शकल देखो इसकी, हाँ हाथ तो ठंडे हो जाते हैं, ये देखो हो गया, लाल हो जाते हैं हाथ।
ठंड बहुत है, -1 तो के करीब लग रहा टेम्परेचर मेरे को दोबारा से। फील्स लाइक -1। और ये देखो कहाँ आ गए हैं हम, कतई खूबसूरत जगह है। मैडम कह रही है शूटिंग बंद कर दो, अरे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, ये देखो क्या मस्त मछली है ये, बहुत भगवान जाने क्या है, क्या मस्त डिजाइन बनाया है। सही नहीं है मैडम, और यहाँ घर कुछ ऐसे होते हैं आपको अंदर नहीं जा सकते, आप लॉक्ड होते हैं, आपको बटन दबाना है, वहाँ से कोई बोलेगा और आपको एक्सेस देगा, तो काफ़ी सिक्योरिटी है। और ये देखो कितना खूबसूरत है, और ये रहा हमारा गबरू पहलवान, और ये देखो क्या खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देखो वाओ। रिडिकुलसली ठंडा है अभी, स्टिल लोग घूम रहे हैं साइकिल पे, बाइक पे, पैदल। क्या हुआ मेरे टीपू सुल्तान? चेकिंग रूट। ये ट्रैम जा रही है सामने, साइकिल, ट्रैम, बस, कार, स्कूटर, सब कुछ एक ही रोड पे चलता है इधर। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। लो आप शूट करो अभी। जम गई है हाथों कुल्फी। अभी हम 3 मिनट में पहुंच जाएंगे सरवना भवन, चलो फिर वही शूटिंग करते हैं। बाय बाय। ओके सो ऑलमोस्ट देयर, 700 मीटर की दूरी है और बर्फ जमाने वाला सीन हो गया है यहाँ पे। कुकड़ी जम गई है मेरे तो हाथों की, शकल देखो मैडम की जरा, ये पहाड़ी है और अरे पहाड़ी है तो क्या मतलब है, आज इसके ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग भी हो गया। हाँ, कर दिया काम आज, ये ले लें हम, सही जाएंगे इससे। सनसेट हो गया है तो ठंड पड़ने लग गई है अब तो। भाई लोग अभी सरवना भवन आए थे, मस्त डोसा वोसा खाया, उसकी पिक्स डालूंगा मैं, और अल्टीमेट यार बहुत बढ़िया माहौल। ये मैडम भी आ गई है फाइनली। सो कैसा लगा सरवना का एक्सपीरियंस? Awesome. बहुत दिनों बाद साउथ इंडियन खाया, इडली खाई, डोसा खाया, स्प्रिंग रोल भी खाए तो पेट पूजा हो गई। अभी घर जाते हैं वापस, ट्रैम में बैठेंगे और वहाँ से पहुँचेंगे अपने घर। फाइनली नाइट लाइफ सेंट्रल स्टेशन की, बहुत ही खूबसूरत, और हमारी ट्रेन इधर से आएगी, दिखाएंगे। ये देखो रात का शॉट और इतनी सारी भीड़ सेंट्रल स्टेशन पे।